तीन महीने पहले। तो यार ये थे वो तीन कॉम्बिनेशन जो मैं अभी के टाइम पर यूज करता हूँ, आगे जाकर चेंज भी हो सकता है। एंड अभी टाइम आ चुका है कॉम्बिनेशन को चेंज करने का। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा अभी का पर्सनल फेवरेट कॉम्बिनेशन क्या है, यानी मैं किन किन कैरेक्टर्स को यूज करके गेम खेलता हूं जिसके वजह से मेरा गेम प्ले इतना तगड़ा बन चुका है। देखो हमारे फ्री फायर के अंदर अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं, बट इतने सारे कैरेक्टर्स में से कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स ही आपका गेम प्ले को 20 गुना 30 गुना तक अच्छा बना सकते हैं। एंड अगर आप इनमें से खराब कैरेक्टर्स को चुनते हो तो आपका गेम प्ले को वो बेकार बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपना खुद का खतरनाक कॉम्बिनेशन तो बताऊंगा ही, एंड उसके साथ साथ लास्ट में आपके लिए कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स भी बताऊंगा जो कि आपका गेम प्ले को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लो, एंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो क्योंकि इस चैनल में मैं आपका गेम प्ले को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। ओके अभी बात करते हैं मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्या है। देखो जो बंदे मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा मेरा तीन तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एंड आपका भी तीन होनी चाहिए। एक होनी चाहिए क्लास कोड के लिए, दूसरा होनी चाहिए फुल मैप के लिए, एंड तीसरा होनी चाहिए कस्टम रूम के लिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा फुल मैप कॉम्बिनेशन से। देखो बात करें मेरा, मैं एक ऐसा प्लेयर हूं जो कि ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट के ऊपर डिपेंड करता हूं, तो उसके लिए मेरा जो प्राइमरी एंड एक्टिव कैरेक्टर रहता है फुल मैप के लिए वो है उकोंग कैरेक्टर। बात करें उकोंग की खासियत की, उसका खासियत है उसका मैजिकल कूलडाउन टाइम। आप उकोंग को सही तरीके से यूज करके अकेले ही एक स्क्वाड का 4 बंदों के ऊपर भारी पड़ सकते हो। आप इसको लेकर अगर एक बंदे को नॉकडाउन करते हो या फिर डायरेक्ट किल करते हो, इसका कूलडाउन टाइम रिसेट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, एंड आप फिर से इसका एबिलिटी को यूज कर पाओगे। ओके मेरा फुल मैप कॉम्बिनेशन का जो सेकंड कैरेक्टर मैं यूज करता हूं वो अकेला ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एनिमी अगर लॉन्ग रेंज पर होगा उसको ज्यादा डैमेज देकर मार देता है। एंड फुल मैप में लॉन्ग रेंज फाइट कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा, एंड वो कैरेक्टर है मारो कैरेक्टर। देखो एनिमी जब भी लॉन्ग रेंज पर होता है तो आपका गोली का डैमेज उसके ऊपर कम पड़ता है। अगर आप मारो को यूज करके एनिमी को मारते हो तो एनिमी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पड़ेगा, वो भी लॉन्ग रेंज पर। ओके तीसरा कैरेक्टर जो मैं अपना फुल मैप कॉम्बिनेशन में यूज करता हूँ वो मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है जिसका नाम है रफाइल कैरेक्टर, जो कि सच में मेरे लिए गेम चेंजर है। अगर आप रफाइल को यूज करके इनमें से किसी भी गन को यूज करोगे जो कि मार्क्समैन राइफल होता है या फिर आप किसी भी स्नाइपर को चलाओगे तो आपको साइलेंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, रफाइल ऑटोमेटिक आपके गन में साइलेंसर लगा देगा। एंड ये मेन रीजन नहीं है जिसके वजह से मैं रफाइल को यूज करता हूँ। रफाइल को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है आप जिस एनिमी को नॉक डाउन करोगे वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो डाउन होने के बाद उसका एचपी बहुत स्पीड से खत्म होगा एंड उसका टीममेट चाह कर भी उसको बचा नहीं पाएगा। ओके मेरा फुल मैप कॉम्बिनेशन का जो लास्ट कैरेक्टर रहता है वो एक हैकर से कम नहीं, क्योंकि उस कैरेक्टर को पता चल जाता है एनिमी कहां पर छुपकर बैठा हुआ है, एंड उसका नाम है मोको कैरेक्टर, जो कि फ्री फायर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड तगड़ा कैरेक्टर्स में से एक है। अगर आप मोको को यूज करके किसी भी एनिमी को एक भी गोली मार देते हो तो उसका लोकेशन यानी वो कहां पर छुपा हुआ है आपको पता लग जाएगा, ये ब्लू कलर का टैग से, एंड उसके बाद आप उसके ऊपर आसानी से ग्रेनेड करके या फिर रस करके उसको मार दोगे। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरा क्लास कोड कॉम्बिनेशन के तरफ। देखो क्लास कोड कॉम्बिनेशन का मेरा जो एक्टिव एंड प्राइमरी कैरेक्टर अभी के टाइम पर है वो है होमर कैरेक्टर। क्यों होमर कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले होमर का एबिलिटी देखते हैं। देखो होमर कैरेक्टर के पास एक ड्रोन है जिसको वो एनिमी के ऊपर ऑटोमेटिक मारता है। अगर कोई एनिमी आपके 100 मीटर के रेडियस के अंदर होगा तो ये ड्रोन उसके ऊपर जाकर फट जाएगा, जिससे एनिमी को 25 का डैमेज पड़ेगा, एंड इसके साथ साथ वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, उसका मूवमेंट स्पीड भी रुक जाएगा एंड वो भाग नहीं पाएगा। उस टाइम उसके पास जो भी गन होगा उससे बहुत ही स्लो गोली निकलेगा, उसके मदद से आप आसानी से एनिमी को मार पाओगे। एंड इस कैरेक्टर को अभी बहुत सारे बंदे यूज कर रहे हैं क्लास कोड में इसका तगड़ा एबिलिटी के वजह से। ओके मेरा क्लास कोड कॉम्बिनेशन का जो सेकंड कैरेक्टर है वो अभी के टाइम पर क्लास कोड के लिए मेरा फेवरेट बन चुका है, एंड उसका नाम है क्ला कैरेक्टर। अरे शक्ति भाई पगला गए हो क्या, अरे क्ला कैरेक्टर कौन यूज करता है भाई? सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखो एंड उसके बाद बोलना। जहां पर इतनी क्लोज रेंज पर कोई भी गन काम नहीं करता वहां पर आप क्ला कैरेक्टर को यूज करके एक ही मुक्के में एनिमी को किल कर सकते हो, एंड अगर आप बिल्कुल शॉर्ट रेंज में मुक्का चलाओगे तो चांसेस है जितने भी बंदे सामने आएंगे उनको हेडशॉट लग जाएगा, जैसे कि आप गेम प्ले में देख रहे हो। अगर आप किसी भी तरीके से एनिमी के पास पहुंच जाते हो तो उसका मरना पक्का है। ओके क्लास कोड कॉम्बिनेशन का मेरा जो 3 नंबर कैरेक्टर रहता है वो इतना खतरनाक कैरेक्टर है, उसको अगर आप यूज करते हो वो आपको स्पीड देने के साथ साथ एनिमी को हेडशॉट लगाने में भी मदद करेगा, एंड उसका नाम है लूना कैरेक्टर। देखो लूना का 2 एबिलिटी है, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपका बिना गन स्किन से भी तगड़ा
तगड़ा हेडशॉट लग पाएगा एंड अब बिना केली के भी स्पीड से भाग पाओगे। लूना का पहला एबिलिटी है वो किसी भी गन का फायर रेट को 8% बढ़ा देगी, जिससे आपके गन से स्पीड से गोली निकलेगा एंड ज्यादा रेट ऑफ फायर की वजह से एनिमी को आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। एंड लूना को यूज करने का सेकेंड फायदा है, अगर आप एक एनिमी को मारते हो एंड आपका एचपी लो हो जाता है एंड एक और एनिमी आपके पीछे पड़ गया तो उस टाइम लूना आपका मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देगी, जिसके वजह से आप वहां से भाग पाओगे। है ना जबरदस्त कैरेक्टर। ओके, मेरा क्लास स्क्वाड कॉम्बिनेशन का जो लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहता है, जिसको यूज करने से मुझे 2-4 एनिमी साथ मिलकर डैमेज देकर मार नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका गोली का असर मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा कम पड़ता है। एंड जो कैरेक्टर मैं यूज करता हूँ उसका नाम है जस्टिन बीबर कैरेक्टर, जिसको फ्री में सभी ले सकते हो। बात करें इस कैरेक्टर को यूज करने की फायदे की, इसको यूज करने से आप और आपके टीममेट्स एनिमी के जोरदार डैमेज से बच पाओगे, बट उसके लिए आपके पास ये येलो कलर का ईपी होनी चाहिए। ये कैरेक्टर ईपी को यूज करके सामने वाला एनिमी का डैमेज को कम कर देगा, जिसके वजह से एनिमी आपको मारते मारते थक जाएगा बट आप मरोगे नहीं एंड आप आसानी से सामने वाले एनिमी को मार पाओगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरा डेडली कस्टम कॉम्बिनेशन के तरफ, बट उससे पहले आपको याद दिला दो, जिसने भी नीचे लाइक बटन को दबाए नहीं हो प्लीज दबा दो। ओके, कस्टम रूम के लिए मैं जो प्राइमरी एंड एक्टिव कैरेक्टर यूज करता हूँ वो और कोई नहीं, उसका नाम है स्काइलर, क्योंकि अभी के टाइम पर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि कस्टम रूम में स्काइलर को टक्कर दे सके। ये कैरेक्टर बना ही कस्टम के लिए। स्काइलर का 2 एबिलिटी उसको कस्टम किंग बनाता है। पहला, अगर आप स्काइलर को यूज करोगे आपको अनलिमिटेड एचपी मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, आप जितना ग्लूअल लगाओगे आपको एचपी मिलता रहेगा। एंड अनलिमिटेड एमओ वाली कस्टम रूम में आपके पास अनलिमिटेड ग्लूअल होता है, इसका मतलब आप एचपी लो के वजह से कभी मरोगे ही नहीं। एंड स्काइलर का 2 एबिलिटी से आप एनिमी का 5 ग्लूअल को एक ही बार में चुटकी में तोड़ पाओगे एंड इसीलिए स्काइलर कस्टम का किंग है। ओके, कस्टम कॉम्बिनेशन का मेरा जो सेकंड कैरेक्टर रहता है वो गोली पड़ने पर मेरा स्पीड को तुरंत 15% बढ़ा देता है, जिसके वजह से एनिमी मुझे मार नहीं पाता है। एंड उस कैरेक्टर का नाम है जोसेफ कैरेक्टर, जो कि आपके ऊपर गोली पड़ने पर आपको स्पीड देता है। ओके, कस्टम कॉम्बिनेशन में मैं जो 3 कैरेक्टर यूज करता हूं, उसके वजह से एनिमी मुझे मारता है मैं नहीं मरता हूं, एंड मैं जब भी एनिमी को मारता हूं वो मर जाता है। एंड उस कैरेक्टर का नाम है शॉर्ट रेंज किंग हयातो। हयातो का 2 एबिलिटी है। पहला, अगर आपको एनिमी सामने से मारता है तो एनिमी का डैमेज आपके ऊपर कम पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका थोड़ा सा एचपी कम है एंड आप एनिमी को मारते हो तो एनिमी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पड़ेगा एंड वो मर जाएगा। एंड कस्टम के लिए जो लास्ट कैरेक्टर मेरा कॉम्बिनेशन में रहता है उसका नाम है डीबी कैरेक्टर, जिसका काम है आप जब भी मूवमेंट करते हुए एनिमी को मारते हो तो रिकॉइल के वजह से एनिमी को हेडशॉट नहीं लग पाता है, बट अगर आप डीबी को यूज करोगे वो आपका एक्यूरेसी को 60% बढ़ा देगा, जिससे आप जितना भी उछल कूद करो आपका हेडशॉट ही लगेगा। तो यार ये थे वो 3 कॉम्बिनेशन जो मैं अभी के टाइम पर यूज करता हूँ एंड आगे जाकर ये चेंज भी हो सकता है, बट अभी के टाइम पर ये मेरे लिए बेस्ट काम करता है। ओके, अभी टाइम आ चुका है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। मैं आपको कुछ ऐसे गिने चुने कैरेक्टर्स का नाम बताऊंगा जिनको आप अपने कॉम्बिनेशन में ऐड करने से आपका गेम प्ले जरूर तगड़ा बन जाएगा। फुल मैप के लिए मैं आपको 2 कैरेक्टर्स सजेस्ट करूंगा। पहला मारो कैरेक्टर, जिसके काम के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं, एंड सेकंड कैरेक्टर है रफाइल कैरेक्टर, जिसको यूज करने से आपका किल कभी भी चोरी नहीं हो पाएगा। एंड क्लास स्क्वाड के लिए मैं आपको ये चारों के चारों कैरेक्टर्स सजेस्ट करूंगा, एक बार जरूर यूज करके देखना। एंड वो 4 कैरेक्टर हैं होमर, क्ला, लूना एंड जस्टिन बीबर। एंड लास्ट में कस्टम रूम के लिए मैं आपको 2 कैरेक्टर सजेस्ट करूंगा, हयातो एंड डीबी कैरेक्टर, जिनके एबिलिटी क्या है मैं आपको पहले से दिखा चुका हूं। और हां, अगर आप क्लास स्क्वाड का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वीडियो देखना चाहते हो जिसको यूज करके आप एवरी क्लास स्क्वाड का मैच जीत सकते हो, देन लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख लो। एंड अगर आपको पता नहीं हम लोग लाइव करते हैं हमारा लाइव चैनल पर, देन राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करके हमारा लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहां पे मैं रोज शाम को 7 बजे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ खेलता हूं, तो आया करो यार।